हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं हिंदू लॉ का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक जो मैं आपको कराने वाला हूं, और वो है हमारा मेंटेनेंस यानी खर्चा। ये वाला मैंने कराया था अब से पहले, एक था इस नाम से हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, ये वाला मैंने आपसे पहले एक अपनी YouTube वीडियो में मैंने डाल दिया था। यह वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा लेंथी था, उसमें ए और वी करके क्वेश्चन दे रखे थे, जो मैंने इस तरह से आपको, आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपने देख लिया होगा, इस तरह से इसमें ए और बी दे रखे थे। ए पार्ट को मैं करा चुका हूं, अब बी पार्ट में आपको कराने वाला हूं। बी पार्ट को हम पढ़ते हैं। विधवा पुत्र वधु को हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत पोषण पाने के क्या अधिकार प्राप्त हैं, और विशिष्ट हिंदू विधि से वर्तमान अधिकार में यदि कोई अंतर है तो बताइए। एक विधवा का भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त हो जाता है? इस वाले क्वेश्चन को मैं कराता हूं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैं अपनी YouTube वीडियो में डाल चुका हूं, आप जाकर वहां से हिंदू लॉ सेकंड में देख सकते हो। 2002 उसका कोड है, प्लेलिस्ट में उसका एक वीडियो बनी हुई है, वहां पे देख लेना। अब मैं आपको दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा बात ना करते हुए, हम अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, हम डायरेक्ट चलते हैं अपने आंसर की तरफ और हम आपको कराते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लाल बटन को दबाकर प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लो, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चलेगा, जिससे आप समय से और उचित तरीके से नॉलेज ले पाओगे और उचित समय पर अपनी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, अब ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलते हैं अपनी वीडियो के आंसर की तरफ। देखते हैं विधवा पुत्र वधु को पहले आपको मैं समझा देता हूं। विधवा पुत्र वधु क्या है? अगर किसी का पुत्र है और उसकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद अगर उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है यानी वो खत्म हो जाता है, तो उसकी जो पत्नी है उसको, यानी कि जो पत्नी का जो सुसर बना वो उसका भरण पोषण देगा। ठीक है, विधवा को कौन देगा? उसका ससुर जो है भरण पोषण देगा। अगर ससुर नहीं है, घर में बड़ा जेठ है, तो जेठ उसका भरण पोषण करेगा। अगर जेठ भी नहीं है, तो अगर उसके घर में कोई उसका बेटा है, पुत्र है, तो वो उसका भरण पोषण करेगा। तो समझते हैं इस वीडियो को, पहले देखते हैं। इस वीडियो में आपके सारे डाउट जो क्लियर हो जाएंगे, और कुछ जो डाउट थे आपकी फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लियर कर चुका हूं। अब देखते हैं विधवा पुत्र वधु का भरण पोषण। मैंने विधवा पुत्र वधु आपको बता दिया है किसे कहते हैं। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19(1) के अनुसार कोई हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के आरंभ होने से पूर्व या बाद विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। यानी कि जो हमारा अधिनियम लागू हुआ है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, इसके लागू होने से पहले और लागू होने के बाद, दोनों ही समय पे लागू हुआ था, उससे पहले भी और लागू होने के बाद भी, दोनों ही स्थितियों में जो पुत्र वधु है उसका जो खर्चा देने का जो अधिकार है, अगर मर जाता है पति तो पति के मरने के बाद उसका जो खर्चा दिया जाएगा उसके ससुर द्वारा दिया जाएगा, ससुर नहीं है तो जेठ द्वारा दिया जाएगा, अगर जेठ भी नहीं है तो उसका, अगर कोई पुत्र है तो पुत्र के नाम पर संपत्ति हो जाएगी और वो उसके द्वारा अपना खर्चा चलाएगी। तो यहां पर बोला गया है कोई हिंदू पत्नी, चाहे वे इस अधिनियम के आरंभ होने से पूर्व, अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर से भरण पोषण पाने की हकदार होगी, परंतु यह तब जबकि उस सीमा तक जहां की वह स्वयं अपनी कमाई से या अन्य संपत्ति से अपना पालन पोषण करने में असमर्थ हो, या उस दशा में
जहां उसके पास अपनी स्वयं की हुई संपत्ति नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि ससुर जो है खर्चा पानी तो देने का हकदार है, लेकिन वो उन परिस्थितियों में खर्चा देने के लिए हकदार है कि जो उन उसकी पुत्र वधू है, बेटी की जो पत्नी है, एक तो कमाने में सक्षम नहीं है, वो इतनी सक्षम नहीं है कि जो कुछ कमा ले और अपना पालन पोषण कर ले, या उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे इनकम होती हो और अपना पालन पोषण कर ले, या वो उसके पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसका जैसे खेती हो, खेती करके अपना पालन पोषण कर ले, या वो इतनी माइंडेड नहीं है या इतनी सक्षम नहीं है कि वो कहीं जॉब कर ले। यानी इस प्रकार की महिला है कि वो कहीं ना तो जॉब कर सकती है ना उस पर कोई और साधन है अपने पालन पोषण के लिए, तो उस स्थिति में ससुर उसका भरण पोषण देगा। वह निम्नलिखित में से किसी भी पालन पोषण प्राप्त करने में असमर्थ होगी। अब देखते हैं, वह निम्नलिखित में से किसी से भी पालन पोषण प्राप्त करने में असमर्थ होगी। वो कौन से कारण है, कौन से रीजन है जिनमें वो भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती है, उनको देखते हैं। नंबर वन है अपने पति या पिता या माता की संपदा से, अपने पति या पिता या माता की संपदा से, या दूसरा अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो या उसकी संपदा से। ना तो उसके पास पति की कोई संपत्ति है, ना पिता की है, ना माता की है, ना उसके पुत्र है ना पुत्री से कोई भी उसकी संपदा से। आगे चलते हैं, विधवा पुत्र वधु के भरण पोषण के अधिकार की समाप्ति। मतलब कौन से ऐसे कारण हैं कि किसी विधवा को उसको भरण पोषण की जो संपत्ति जो देने का अधिकार है, प्राप्त करने का जो उसको अधिकार है, उनको समाप्त कर दिया जाता है, वो कौन से रीजन्स हैं उनको बता दीजिए। तो ये हमारे एग्जाम मतलब प्रश्न में भी हमसे डिमांड की गई थी कि वो कौन से अधिकार हैं जिनसे भरण पोषण की राशि विधवा से समाप्त हो जाएगी, उसको नहीं दी जाएगी, खत्म हो जाता है। तो वो कारण पढ़ते हैं। पहला है जब ससुर की सहभागीदारी संपत्ति में विधवा पुत्र वधू को पालन पोषण प्रदान करना संभव ना हो। धारा 19(2) के अनुसार जब ससुर की सहभागीदारी संपत्ति में से विधवा पुत्र वधू को, मतलब ऐसी सहभागीदारी ना हो कि संपत्ति में से जो विधवा पुत्र वधू है उसका पालन पोषण करना संभव ना हो। दूसरा, जब पुत्र वधू ने ऐसी संपत्ति में अंश प्राप्त कर लिया हो, यानी एक तो उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है जो पालन पोषण कर ले, या दूसरा यह है कि उसने उस संपत्ति में से जो उनका ससुर पैसे हिस्सा बनता था उनमें से हिस्सा ले लिया है। जब विधवा पुत्र वधू धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू ना रही हो, या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। एक तो यह है ससुर की सहभागीदारी संपत्ति में से विधवा पुत्र वधू को पालन पोषण प्रदान करना संभव ना हो, मतलब इतना उनपे वो ससुर भी इतना सक्षम नहीं है कि उनका पालन पोषण करे। दूसरा, उन्होंने संपत्ति में जो उसका अधिकार था, जो उसका हिस्सा बनना था, दे दिया है। तीसरा, उसने अपनी पुत्र वधू के द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया, सॉरी उसकी पुत्र वधू ने धर्म परिवर्तन कर लिया है जिसके कारण वो अब उनको भरण पोषण नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने अपना धर्म जो है चेंज कर लिया है। ये तीन कारण हैं, धर्म चेंज करने पर, संपत्ति के प्राप्त करने पर, अपना हिस्सा संपत्ति में से प्राप्त करने पर, या ससुर के सक्षम ना होने पर। आगे पढ़ते हैं, विधवा पुत्र वधू को प्राचीन एवं नवीन विधि में प्राप्त अधिकारों में अंतर। मतलब जो विधवा होती है उसको जो विधवा पुत्र वधू को प्राचीन यानी जो पहली है, एवं नवीन विधि यानी प्राचीन यानी जो पहले से चली आ रही है विधि, हमारी जो बहुत पुरानी विधि है, एवं नवीन विधि से प्राप्त अधिकारों में अंतर बताइए। वो कौन कौन से अधिकार हैं उनमें अंतर बताइए, प्राचीन एवं नवीन विधि में विधवा पुत्र वधू के अधिकारों में अंतर। ये भी हमारे क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। कभी कभार क्या होता है, जो आप ये चीज जो देख रहे हो छोटी छोटी, ये 10 नंबर में आ जाती है। अब ये 10 नंबर में आप कैसे सॉल्व करोगे, ये भी 10 नंबर में आ जाता है। इनको अपनी लैंग्वेज में हमें बढ़ा देना है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि हमने तो 2 या 3 लाइंस का ही स्टडी करा था, अब क्या करें, एक्सप्लेन कर देना है टोटल वे में, ठीक है ना, अपने हिसाब से। आगे चलते हैं, प्राचीन विधि और नवीन विधि में अंतर देखते हैं।
प्राचीन हिंदू विधि में विधवा पुत्र वधु के प्राचीन यानी जो हमारी पुरानी हिंदू विधि में विधवा पुत्र वधु के भरण पोषण का ससुर का दायित्व केवल नैतिक था, यानी कोई जबरदस्ती नहीं थी कि भाई वो ही देगा, वो नैतिकता के आधार पर था कि मेरे पुत्र की पत्नी है, मेरी पुत्र वधु है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, अगर ये यहां से जाएगी तो हमारी भी बेइज्जती होगी, ठीक है, वो नैतिकता के आधार पर करता था। ससुर का दायित्व न तो वैधानिक था और न ही व्यक्तिगत। ससुर की मृत्यु के बाद ससुर की संपत्ति के उत्तराधिकारी से विधवा पुत्र वधु वैधानिक रूप से पालन पोषण पाने की अधिकारिणी थी, ठीक है। यहां पर यह कह रहे हैं कि अगर ससुर की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, उसकी जो ससुर की जो संपत्ति थी उसके पुत्र को या उसकी पुत्री के चली जाएगी अपने, और उससे वो अपना भरण पोषण करने की उत्तराधिकारी है, और ये जो ससुर जो है उनका ससुर जो है जो उनको भरण पोषण कर रहा है, ना तो ये उसका जो अधिकार है वैधानिक है और ना ही वो व्यक्तिगत है, वो तो एक नैतिकता के आधार पर कर रहा है कि चलो मेरी पुत्र वधु है इसका हम पालन पोषण कर देते हैं ना। किंतु वर्तमान विधि में ससुर का वैधानिक किंतु सीमित दायित्व, किंतु वर्तमान विधि में, वर्तमान विधि जो इस समय विधि प्रचलित है का वैधानिक किंतु सीमित दायित्व है, जैसा कि अमीथु बनाम गांधी अम्मल AIR 1977 मेड 372 में कहा गया कि विधवा पुत्र वधु को ससुर से तभी भरण पोषण मिल सकता है जबकि उसको सहभागीदारी में कोई अंश ना मिला हो। इन्होंने एक बात बोली थी अमीथु बनाम गांधी अम्बल में एक केस है, इस केस को आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इस वाले जो प्रेसन में कोई अभी तक कोई केस नहीं आया है, और जब हम अपने प्रेसन में केस ऐड करते हैं तो हमारे प्रेसन में 4 चांद लग जाते हैं, हम नंबर अपने आप ही अब्सॉर्ब करने लगते हैं, मतलब उनसे लेने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ लेना हमारे जो केस हैं हमारे नंबरों को खींचने की एक चुंबक है, केस क्या है चुंबक, और ये क्या खींचेगी नंबरों को, जितने ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे तरीके से केस लिखेंगे और थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे उतने ही ज्यादा हमारे नंबर आते हैं। तो एक ये है जैसा कि अमीथु बनाम गांधी अम्बल AIR 1970 से और 372 में कहा गया था कि ससुर जो है अपनी पुत्र वधु को तभी भरण पोषण तभी खर्चा दे सकता है जब उस पुत्र वधु ने ससुर से कोई हिस्सा ना लिया हो, किसी संपत्ति में अपना हिस्सा ना लिया हो, ना किसी भी प्रकार की संपत्ति को अपने में कब्जे में ना लिया हो, यानी कि अभी उसने कोई हिस्सा नहीं लिया है, वो अभी साजे हैं, एक जगह रह रहे हैं और वो अपना अधिकार अभी नहीं जता रही है, तब वहां पर ससुर जो है उसका भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार है और वो ही उसका भरण पोषण करेंगे। अगर पुत्र वधु अपना हिस्सा अपने ससुर की संपत्ति में से ले लेती है, अपने पति का हिस्सा स्वयं ले लेती है, तब वो भरण पोषण की दावेदार नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूं यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था हमारा भरण पोषण वाला प्रश्न और ये मैं आपको करा चुका हूं। आगे एक बात और आपको देख लेना, ये जो है यहां पर छूट गया था जो मैंने हाईलाइट नहीं करा था, क्योंकि हमें एग्जाम में ये भी हाईलाइट करना होता है, ठीक है ना। आप कैसे करोगे हाईलाइट वहां पे, हाईलाइट का मतलब ये नहीं है वहां कलर लेके चले जाओ, इसका मतलब है आप भी वहां पे आप जो है वहां ब्लैक पेन से इसे लिखना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका दोबारा से बता दे रहा हूं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपकी पहली वाली वीडियो में आपको दे चुका हूं, आप जाके वहां से प्लेलिस्ट में जाके हिंदू लॉ जाकर उसे ओपन करना, और वहां से ओपन करोगे तो आपको उन हिंदू लॉ के ऑल क्वेश्चन के आंसर आपको वहां पर मिल जाएंगे, आपके सभी डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपने इतने अच्छे से मुझे सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।